हमारे पैसे से कुक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बनाने वाले हैं व्रत स्पेशल चीला। जी हाँ, ये चीला खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एक बाउल में हम डालेंगे 2 सर्विंग स्पून भीगा हुआ सामक का चावल, जिसको हमने होल नाइट भिगो कर रखा था, और उसके बाद हमने इसका पानी निकाल दिया है। चावल अच्छी तरीके से भीग गया है। और साथ ही डालेंगे 2 सर्विंग स्पून भीगा हुआ साबूदाना, इसको भी हमने होल नाइट भिगो कर रखा है, और सुबह को हमने इसका पानी निकाल दिया था जिससे इसका एक्सेस वाटर सब निकल जाए। और आप देख सकते हैं साबूदाना भी अच्छी तरीके से फूल गया है। एक मीडियम साइज उबला हुआ आलू, जिसको हमने कस लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसके हमने मोटे मोटे पीसेस काट लिए हैं। 1 टीस्पून नमक डाल लेंगे, ये सेंधा नमक है जो व्रत में यूज होता है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे लगभग 3 सर्विंग स्पून कुट्टू का आटा। अगर आपके पास कुट्टू का आटा नहीं है, बकव्हीट फ्लावर नहीं है, तो आप इसकी जगह सिंघाड़े का आटा भी यूज कर सकते हैं, जिसको वाटर कैशनट फ्लावर भी बोलते हैं। ये सब चीजें डालने के बाद हम इसमें बस केवल 2 सर्विंग स्पून पानी डाल देंगे और इसको हम मिक्सी में डालेंगे और एक फाइन पेस्ट बनाएंगे, और थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर बीच में ऐड करेंगे। ये देखिए, ये जो बैटर है कितना बढ़िया तरीके से तैयार हुआ है, बिल्कुल स्मूथ बैटर बना है। इसी तरीके का बैटर आपको ये तैयार करना है। और ये बैटर बनाने के लिए हमने इसमें 1/4 ग्लास पानी और ऐड किया था। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे लगभग 2 हरी मिर्ची, जिसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। हरी मिर्च का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और बहुत सारा हरा धनिया। सब चीजों को कर लेंगे जल्दी जल्दी से मिक्स। तो ये लीजिए, हमारा व्रत के चीले का बैटर तो हो गया है तैयार। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम इसके चीले भी बना लेते हैं। यहाँ पर हमने नॉनस्टिक तवा रख लिया है और उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। हम डालेंगे इसके ऊपर पीनट ऑयल और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और जो हमने बैटर बनाया था उसको और अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। और 1 कलछी भरकर हम इसके अंदर बैटर डालेंगे और बहुत हल्के हाथों से आपने इसको अंदर से बाहर की तरफ स्प्रेड करना है, और बहुत ज्यादा स्प्रेड भी नहीं करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको स्प्रेड कर दिया और ये जो चीला बनता है थोड़ा मोटा बनता है। गैस की फ्लेम को हम फुल रखेंगे और इसको हम सिकने देंगे। आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का ड्राई होना शुरू हो गया है और साइड से थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम इसको बहुत ध्यान से साइड से पहले इस तरीके से इसको निकालेंगे। आप कभी भी डोसा बनाएं या चीला बनाएं, हमेशा पहले उसको साइड से निकालिएगा इस तरीके से। और बस आप इसको बीच में ले जाइए और इसको फ्लिप कर दीजिए, और दूसरी साइड से भी हम इसको सिकने देंगे। दूसरी साइड से भी हम इसको पलट कर देख लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिक गया है। तो फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गया हमारा व्रत स्पेशल चीला। तो आपने देखा फ्रेंड्स, इसको बनाना कितना आसान है। बस सारी चीजों को आपने मिक्सी में डालना है और पीसना है, और आपका बैटर तैयार हो जाएगा और आप चीला बना सकते हैं। आप इस चीले को व्रत वाली चटनी के साथ या आलू की सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये व्रत स्पेशल चीला पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और साथ ही इसी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।